हजरत शेख सादी मेरे नबी की मुकद्दस बारगाह में नात के शेर लिख रहे हैं। तरफर कहते सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? नात लिख रहे हैं, नात के शार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बलगल उला बी कमाल ही, मेरे नबी की तारीफ हो रही है। कशफत तुजा बी जमाल ही, मेरे नबी के हुस्न की तारीफ हो रही है। हसुनत जमीयो खिसाल ही। अब हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का कलम यहां रुक जाता है, कलम यहां रुक जाता है। इसके आगे अब जहन में आ नहीं रहा है अब नबी की बारगाह में क्या लिखा जाए। लिहाजा बहुत कोशिश करते हैं कि अगला मिसरा आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। इस ख्यालात की दुनिया में अब नींद के आगोश में चले जाते हैं। नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं। ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाब में कौन तशरीफ लाते हैं? जिनके गुंबद को देखने के लिए आज लोग बेचैनों बेकरार रहते हैं, गुंबद को देखने के लिए, उसी हरे गुंबद वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह। और यकीनन जिसके ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ लाएं, वो ख्वाब शैतानी नहीं हो सकता है। इसलिए कि शैतान हर किसी इंसान की शक्ल को इख्तियार करके वो ख्वाब में आ सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए जिसने सरकार को ख्वाब में देखा, गोया उसने हकीकत मानों में सरकार की ज़ियारत की है। मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, ए शेख सादी क्या कर रहे हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आपकी मुकद्दस बारगाह में नात का शेर लिख रहा था, सुभान अल्लाह। कहा कि जो लिख रहे थे उसे सुना सकते हो? कहा बिल्कुल सुना सकता हूँ, सुनाओ। तो शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसुनत जमीयो खिसाल ही। अब यहाँ शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह रुक जाते हैं। फिर मेरा आका फरमाते हैं, ऐ शेख सादी आगे पढ़ो। कहा कि या रसूल अल्लाह इसके आगे नहीं आ रहा है। कहा फिर पढ़ो। फिर पढ़ते हैं शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसुनत जमीयो खिसाल ही। यहाँ आके रुक जा रहे हैं, आगे नहीं आ रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ शेख सादी क्यों नहीं कह देते हो सल्लू अलैहि वालैहि, क्यों ये नहीं कह देते हो सल्लू अलैहि वालैहि। तो जो ये शेर है, ये आखिरी शेर मेरे मुस्तफा का है। पूरी दुनिया नबी की नात लिख रही है। जितनी नाते आप देख रहे हैं सब नबी की शान में लिखी गई नात है, लेकिन ये जो सल्लू अलैहि वालैहि खुद मेरे मुस्तफा का शेर है, सुभान अल्लाह। बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसुनत जमीयो खिसाल ही, सल्लु अलैहि वालैहि, बकारे खैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, शहा बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज दर्द इसियानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। ये अरबी में शेर था, परेशानियाँ का शेर, दुआया शेर था, जो मैंने आप तक पहुँचाया। देखे मिंबर शरीफ पर हजरत मौलाना शफीकुर रहमान साहब क़िबला, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम होगा। मैं बड़ी देर से अपने मेहमानों का इंतज़ार देख रहा हूँ और इसी उम्मीद पर माइक पर खड़ा हूँ। मैं एहतमाम करदा हजरात से गुजारिश करूंगा, खास करके बुलबुल बाग अशरफ हजरत ज़ैनुल आबिदीन अशरफी साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि अगर मेहमान खाना खा लिए हो तो आप जितना जल्द हो सके आप मिंबर शरीफ पर उन्हें लाने की कोशिश करें, चूँकि बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकद्दस कलाम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। इसलिए कि यह हमारा अकीदा नहीं बल्कि बुजुर्गों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का यकीदा रहा है कि जब भी हम किसी अच्छी महफिल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद की तलावत से करते हैं। ये कुरान मजीद क्या है? ये जिक्र इलाही है, खुदा का जिक्र है।
उसके बाद में हम जिक्र मुस्तफा ही करते हैं, यानी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का जिक्र करते हैं। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि अब आज के इस जलसे का आगाज, चूँकि हमारे मेहमान तशरीफ़ नहीं ला पा रहे हैं, अभी वक्त भी इस वक्त तकरीबन 10 बजने को है और अभी तिलावत से इस जलसे का आगाज़ भी नहीं हुआ है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितना जल्द हो सके, चूँकि असल जलसे में होता क्या है कि जो असल चीज़ होती है उसे लोग हासिल नहीं कर पाते हैं, जो असल चीज़ होती है उसे लोग हासिल नहीं कर पाते हैं और बाकी खाने वगैरह में लोग ज़्यादा टाइम देते हैं। हालांकि खाने का मामला जो है वो ऐशा से पहले हर जगह जलसों में हो जानी चाहिए, लेकिन असल लेट इसमें होता है कि लोग खाना खिलाने में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। देखें कुर्सियाँ भी बहुत सारी पूर हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे पास वक्त नहीं है कि बाप को बारी बारी बुलाया जाए, बस आज के इस वाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आप बैठने की जहमत गवारा करें और जितना जल्द हो सके आप उधर से रुझान ख़त्म करके साहब मज़ार के आगोश में आकर इनसे फैज़याब होने की कोशिश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن منه نذير مبين أمرت بالله صدق الله العلي العظيم گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती, तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। आज इस कुरान मुकद्दस को लोग मिटाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, आज इस कुरान मुकद्दस में लोग तब्दीलियाँ करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन शायर कहता है तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। इसलिए कि अगर ये कुरान तमाम किताबों में अफजल है तो जिस नबी पर ये कुरान उतरा है वो तमाम नबियों से अफजल है।